जेफ द किलर हॉरर स्टोरी का पार्ट 5 देखने से पहले इसके पिछले के चारों पार्ट्स देख लें, वरना ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जेफ फ्रेडी को बहुत मारता है, जिससे फ्रेडी अधमरा हो जाता है। और जैसे ही जेफ फ्रेडी को बैट से मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी फ्रेडी जेफ को सारी सच्चाई बता देता है। और वो बताता है कि उसने जेफ के दोस्त यानी जेसन को मरने से बचाया है। और ये सुनकर जेफ का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। और अब जेफ और फ्रेडी दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और अब ये दोनों मिलकर गुल्ली बुल्ली सॉन और बाकी सभी लोगों को मार डालेंगे। उसके बाद उन लोगों को मारने के लिए जेफ और फ्रेडी कार लेकर जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। और अब आगे जेफ और फ्रेडी जंगल में गुल्ली बुल्ली सॉन और बाकी लोगों का ही पीछा कर रहे होते हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन और बाकी लोग तो पैदल धीरे धीरे जा रहे होते हैं, लेकिन फ्रेडी गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहा होता है। और इसीलिए वो दोनों जल्दी गुल्ली बुल्ली सॉन और बाकी लोगों के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पर चंपू सभी लोगों को रोक लेता है और फिर वो बोलता है, अरे हम लोग अपने घर जा रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या होगा? मेरी गाड़ी तो अभी भी वहीं पर है, और अगर मैं अपने गाड़ी के बिना अपने घर गया तो मेरे पापा एक तो मुझे खूब मारेंगे भी, और ऊपर से मुझे सब्जी के दुकान पर बैठा कर मुझसे सब्जी बिकवाएंगे और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे। इसलिए चलो वापस से उसी जगह पर, ताकि मैं अपनी गाड़ी वापस ला सकूं। और फिर आलोक बोलता है, तुम टेंशन मत लो चंपू, अगर तुम सब्जी बेचना शुरू कर दोगे तो मैं रोज सुबह तुम्हारे यहाँ से ही सब्जी लेकर जाया करूँगा। और आलोक की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और फिर बुल्ली बोलता है, तुम टेंशन मत लो चंपू, तुम्हें तुम्हारी गाड़ी जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हारी गाड़ी लाने के लिए पहले हमें यहाँ से निकलकर शहर जाना होगा। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को इस खूनी के बारे में सारी सच्चाई बता देंगे, और फिर पुलिस फोर्स लेकर उसी जगह पर जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। और अगर हम लोग उस जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर वो खूनी हमें मार डालेगा, लेकिन अगर हमारे साथ पुलिस रहेगी तो पुलिस उस खूनी को मार डालेगी और तुम्हें तुम्हारी गाड़ी भी मिल जाएगी, और फिर वहाँ पर कोई भी खून नहीं होगा। और फिर सैम बोलती है, लेकिन अब मैं काफी थक चुकी हूँ और अब मेरे अंदर आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, मेरी मानो तो चलो कोई घर ढूंढकर उसमें आज की रात हम लोग गुजार लेते हैं और फिर अगले सुबह हम लोग शहर की ओर निकलेंगे। और वैसे भी काफी रात हो चुकी है और ये एक जंगली इलाका है, पता नहीं कब चलते चलते हमारे ऊपर कोई भी जंगली जानवर आकर हमला कर सकता है, इसलिए हमें कोई सुरक्षित जगह पर जाना होगा। और फिर गुल्ली बोलता है, हाँ सैम तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला कर सकता है, और वैसे भी चलते चलते हम लोग भी बहुत थक चुके हैं, लेकिन अभी हमें और भी चलना होगा क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक घर है और वो घर बिल्कुल खाली है और उस घर में कोई भी नहीं रहता है, इसलिए हमें अपनी आज की रात उसी घर में गुजारनी चाहिए। और अब गुल्ली बुल्ली सॉन और बाकी सभी लोग उसी घर में अपनी आज की रात गुजारने वाले हैं। और यहाँ पर अपने बाबा की पहलवानी अभी तक चली रही होती है। काफी देर तक एक्सरसाइज करने के बाद बाबा आप सोचते हैं कि क्यों ना आप गुल्ली बुल्ली और सॉन के पास चला जाए, वैसे भी आज काफी एक्सरसाइज हो गई है। और इसीलिए गुल्ली बुल्ली और सॉन के पास जाने के लिए बाबा अपनी बाइक पर बैठ जाते हैं और फिर बाबा गुल्ली बुल्ली और सॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बाबा को क्या पता कि गुल्ली बुल्ली और सॉन के साथ आज क्या क्या हुआ है, उन्हें तो लग रहा है कि वो लोग सॉन को गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, लेकिन वो लोग तो यहाँ पर इस घर में आकर बैठे हैं और सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि सुबह ये लोग शहर की ओर निकलेंगे।
अरे ये क्या, ये तो जेफ और फ्रेडी है और ये लोग यहाँ पर भी आ गए। लेकिन इन लोगों को कैसे पता चला कि गुल्ली बुल्ली सोन और बाकी सभी लोग इसी घर में छुपे हुए हैं? और फिर जेफ बोलता है, हो ना हो फ्रेडी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग इसी घर में छुपे हुए होंगे, क्योंकि इतने दूर पैदल चलने के बाद ये सभी के सभी थक गए होंगे और फिर आराम करने के लिए ये लोग जरूर इसी घर में रुके होंगे। और फिर फ्रेडी बोलता है, लेकिन अगर ये लोग इसमें होंगे तो हम लोग इन्हें रोकेंगे कैसे? अगर हम लोग दरवाजा खोलेंगे तो ये लोग तो भागना शुरू कर देंगे और फिर हम लोग कुछ ही लोगों को पकड़ पाएंगे और बाकी सभी लोग भाग जाएंगे। और वैसे भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग इस घर में छुपे होंगे, क्योंकि ये लोग इतने भी बड़े पागल थोड़ी ना है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस घर में आकर आराम करेंगे। मैं तो कहता हूँ जल्दी से गाड़ी में बैठकर इन लोगों का पीछा करो, वरना ये लोग शहर निकल गए तो हम लोग इन्हें मारते ही रह जाएंगे। और फिर जेफ बोलता है, तुम 2 मिनट यहीं पर खड़े रहो फ्रेडी, मैं अभी देख कर आता हूँ ये सभी लोग इसमें है भी या नहीं। और फिर जेफ चला जाता है ये देखने के लिए कि गुल्ली बुल्ली सोन और बाकी सभी लोग इस घर में है भी या नहीं। जेफ धीरे धीरे दबे पाओ उस घर की खिड़कियों की ओर चला जाता है ये देखने के लिए कि उस घर के अंदर कोई है भी या नहीं। और जैसे ही वो मुड़कर खिड़की से अंदर देखता है तो उसे वहां पर सभी लोग दिख जाते हैं, जिससे जेफ का अनुमान सही साबित हो जाता है। यहाँ पर इन सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि इनकी सारी परेशानी टल चुकी है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं होता है कि इनकी परेशानी ठीक इनके पीछे एक और नई परेशानी को लेकर आ गई है। और फिर जेफ दबे पाँव वापस से जाने लगता है फ्रेडी के पास। फ्रेडी के पास जाते ही जेफ फ्रेडी से बोलता है, देखा फ्रेडी, मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला, ये लोग कहीं और नहीं बल्कि इसी घर में छुपे हुए हैं। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि आखिर हम लोग इन्हें बेहोश कैसे करें, क्योंकि अगर इन्हें बिना बेहोश किए हम लोग घर के अंदर गए तो ये लोग भागना शुरू कर देंगे, जिससे हम लोग कुछ ही लोगों को पकड़ पाएंगे और बाकी सभी लोग तो भाग जाएंगे। इसलिए हमें पहले इन्हें बेहोश करके इन्हें एक केज में बंद करना होगा, ताकि फिर हम दोनों सभी लोगों को तड़पा तड़पा कर एक एक करके मारें। और फिर फ्रेडी बोलता है, इस बात की तुम चिंता मत करो जेफ कि इन्हें बेहोश कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास एक बम है जिसको अंदर फेंकने पर उसके धुएं से ये सभी लोग बेहोश हो जाएंगे और फिर हम इन सभी लोगों को केज में बंद कर देंगे। लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि किस चपड़ गंजू ने यहाँ पर इस घर को बनवा दिया है, वरना मेरा प्लान तो इन लोगों को जंगल में कार से दौड़ा कर मारने का था। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है जेफ, कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस घर का खिड़की कहाँ है? जिस पर जेफ बोलता है, क्योंकि फ्रेडी ये घर मेरा ही है। और फिर फ्रेडी बोलता है, वाह जेफ, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, वरना पता नहीं हम दोनों को उन लोगों को इतने बड़े जंगल में कहां कहां ढूंढना पड़ता। मैं तुम्हारी इस काम से बहुत खुश हुआ। और फिर फ्रेडी और जेफ दोनों खिड़की की तरफ पढ़ने लगते हैं। उसके बाद फ्रेडी उस घर में एक स्मोक कैन फेंकता है ताकि वो सभी लोग बेहोश हो जाए और फिर ये लोग उन सभी लोगों को एक पिंजरे में बंद कर दे। गुल्ली की आंखें जैसे ही खुलती है वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाता है और सिर्फ गुल्ली ही नहीं बल्कि सभी लोग पिंजरे में बंद रहते हैं। और उन्हें पिंजरे में बंद जेफ और फ्रेडी ने किया है जब वो लोग बेहोश थे।
ताकि ये लोग यहाँ से भाग ना पाए और जेफ और फ्रेडी इन सभी को एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारे। और फिर जेफ फ्रेडी से बोलता है, देखा ना फ्रेडी, इन लोगों ने आज मुझे बहुत परेशान किया है, इन लोगों ने आज मुझे खूब दौड़ाया, मुझे खूब चिढ़ाया और यहाँ तक कि इन्होंने तो मुझे पत्थर फेंक कर भी मारा। आज मैं इन लोगों के वजह से बहुत रोया हूँ, लेकिन देखो अब ये सभी के सभी मेरे सामने पिंजरे में कैद है और ये लोग अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अब मैं एक एक करके इन सभी को मौत के घाट उतारने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं जरा उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसने मुझे पत्थर फेंक कर मारा था, जरा देखूँ तो अब उसकी हालत कैसी है। और फिर जेफ वहाँ से उठ जाता है और वो सैली के पास बढ़ने लगता है। उसके बाद वो सैली के सामने बैठ जाता है और सैली का डरा हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर वो बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मुझे मार कर खुद जिंदा बचकर वापस जा पाओगी तो तुम बिल्कुल गलत थी, क्योंकि देखो अब तुम लोग मेरे सामने कैद पड़े हो और मैं तुम लोगों को एक एक करके मारने वाला हूँ। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उस टाइम मैं वहाँ पर कैद था तो तुम लोगों ने मुझे खूब चिढ़ाया और तुमने तो मुझे पत्थर फेंक कर मारा, लेकिन अब देखो अब तुम लोग यहाँ पर कैद हो और अब मेरी बारी है, अब मैं तुम सभी लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतारने वाला हूँ और शुरुआत तुमसे होने वाली है। और यहाँ पर फ्रेडी गुल्ली बुली और सॉन से बोलता है, तुम्हें तो उस दिन लगा होगा कि तुम्हारे बाबा ने मुझे मार डाला है, लेकिन तुम लोग गलत थे, क्योंकि जैसे ही तुम लोग वहाँ से गए मैंने अपने सपने में जेसन को बुला लिया और जेसन ने मेरा इलाज किया जिससे मैं ठीक हो गया और इसी वजह से मैं आज तुम लोगों के सामने हूँ। पर तुम लोगों के वजह से मेरी सारी शक्तियाँ चली गई है और अब मैं किसी के सपने में जाकर उन लोगों को नहीं मार सकता हूँ और इसी बात का बदला लेने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ और अब तुम तीनों को एक एक करके मैं बेरहमी से मार डालूंगा। और यहाँ पर गुल्ली बुली और सॉन को ढूंढते ढूंढते बाबा उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जेफ कैद था, क्योंकि उन्हें वहाँ पर गुल्ली बुली और सॉन की जीप खड़ी मिली और बाबा को ऐसा लगता है कि अगर उन तीनों की जीप यहीं पर है तो वो लोग भी यहीं कहीं होंगे। और फिर बाबा उन तीनों को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो तीनों बाबा को कहीं भी नहीं मिलते हैं। पर तभी अचानक से बाबा कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। पर आखिर बाबा ने ऐसा क्या देख लिया? अरे ये तो वही लड़की है जिसे जेफ ने पहले मारा था। और इसी लड़की की लाश अचानक से देखकर बाबा बहुत ही हैरान हो गए हैं और अब बाबा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है और गुल्ली बुली और सॉन कहाँ है। पर तभी अचानक से बाबा को याद आता है कि जब वो यहाँ पर आ रहे थे तब उन्होंने एक गाड़ी देखी थी जिसमें दो अजीब लोग बैठे थे, पर बाबा ने उस टाइम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि आखिर इतने रात को कोई जंगल के रास्ते कहाँ जा रहा होगा, और अब क्योंकि उनके सामने एक लाश पड़ी है और गुल्ली बुली और सॉन भी यहाँ नहीं है, इसलिए बाबा को गुल्ली बुली और सॉन की काफी चिंता होती है। और फिर बाबा उसी गाड़ी का पीछा करने के लिए चल देते हैं ताकि उन्हें कोई क्लू मिल पाए। और यहाँ पर जेफ और फ्रेडी ने मिलकर सैली को एक बेंच पर बांध दिया है ताकि अब जेफ उसे आराम से तड़पा कर मार सके। और फिर जेफ फ्रेडी से बोलता है, अब तुम बस ये देखते रहना फ्रेडी कि मैं कैसे इसे तड़पा तड़पा कर एक दर्दनाक मौत देने वाला हूँ, और मैं जैसे इसे मारूंगा तुम्हें उन तीनों यानी गुल्ली बुली और सॉन को भी उसी तरीके से मारना है ताकि इन्हें भी ये पता चले कि इन लोगों ने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और यहाँ पर सैली की हालत बहुत ही खराब है और वो अब पछता रही है कि आखिर उसने जेफ को पत्थर फेंक कर क्यों मारा। और फिर जेफ सैली की तरफ बढ़ने लगता है। सैली के सामने जाकर जेफ जोर जोर से हंसने लगता है, पर इससे पहले कि वो सैली को मार पाए सही टाइम पर अपने बाबा आकर जेफ को गाड़ी से दूर गिरा देते हैं। बस हवा निकल गई और दीवार से टकरा कर जेफ नीचे गिर जाता है जिससे जेफ बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर सभी लोग ये देख कर बहुत ही खुश हो जाते हैं। पर बाबा का ध्यान फ्रेडी पर नहीं जाता है और फ्रेडी बाबा के पीछे से बाबा के ऊपर हमला करने लगता है।
और वो बाबा को मार कर गिरा देता है। लेकिन फिर बाबा भी फ्रेडी के ऊपर हमला करने लगते हैं। जिससे फ्रेडी भी बेहोश हो जाता है। पर तभी जेफ भी होश में आ जाता है और वो पीछे से बाबा के ऊपर हमला करने लगता है। जेफ बाबा को बहुत मारता है जिससे बाबा भी बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर गुल्ली बुली और सोन के तो अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद बाबा ही थे और अब वो भी बेहोश हो गए। और यहाँ पर जेफ और फ्रेडी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर जेफ फ्रेडी से बोलता है, फ्रेडी अब जल्दी से इस बुड्ढे को भी पिंजरे में बंद कर दो, वरना ये बुड्ढा हमें इन लोगों को मारने नहीं देगा और आखिर में हम दोनों इस बुड्ढे को मिलकर मारेंगे। और फिर फ्रेडी बोलता है, हाँ जेफ तुमने बिल्कुल सही कहा। पर जैसे ही फ्रेडी बाबा को पिंजरे में बंद करने के लिए मुड़ता है, तभी बाबा उठ जाते हैं और बाबा का एक्सट्रीम मोड भी चालू हो जाता है। और अब तो जेफ और फ्रेडी की खैर नहीं, बाबा पहले जेफ की सुताई करते हैं। जेफ को बेहोश करने के बाद अब फ्रेडी की बारी थी और अब फ्रेडी की बाबा धुलाई करते हैं। बाबा इन दोनों को बहुत मारते हैं और जेफ की जैसे ही आंखें खुलती है, वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाता है। जेफ ने सही कहा था कि समय एक जैसा नहीं होता, और अब वो और फ्रेडी दोनों इस पिंजरे में बंद है और चंपू को उसकी कार भी मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।